लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। फिरोजाबाद में बढ़ते जलापूर्ति की परेशानी को लेकर आज सदर विधायक मनीष असीजा को आना पड़ा कैमरे के सामने। झेड़ा जाल परियोजना को लेकर सदर विधायक ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर में गंगा जल न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण नगर निगम के कर्मचारियों का मना करने के बजाय एक दूसरे पर काम को टालना और नहर की सफाई न हो पाना है। जब सर्दी के मौसम में पानी की इतनी परेशानी है तो आने वाले समय में जल आपूर्ति का क्या हाल होगा। वहीं हमने इस सारे मामले की जानकारी कुछ अधिकारियों को दे दी है। कुछ लोग झेड़ा जाल परियोजना को पलीता लगा रहे हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। ये जो समस्या है ये इधर आए दिन हमारे सामने खड़ी हो रही है। वो ये समस्या का जो मूल कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो झेड़ा जाल नहर परियोजना से गंगा जल लाने की परियोजना थी, ये 2012-13 में हमने अपने प्रस्ताव से विधानसभा में स्वीकृत कराई थी। उसके बाद ये बिल्कुल निष्क्रिय जैसी पड़ी रही, इस पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे ही माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस योजना में पर लग गई और बहुत रिकॉर्ड टाइम में 2 साल के अंदर अंदर, ये समझ लीजिए कि आज से करीब करीब 1.25 साल से पानी आना शुरू हो गया। पूरी नहर भी इधर तैयार कराई गई, इंटेक वेल नंदपुर का तैयार कराया गया, CWR जो है, सारे WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर का है वो सब चालू करा दिए गए। पानी की आपूर्ति लगभग 1.25 साल से चालू है। अब जो कठिनाई आ रही है वो ये है कि जो नहर विभाग ने 50 क्यूसिक पानी फिरोजाबाद को पीने के पानी के लिए दिया था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश किया था जिसमें ये शासनादेश के हिसाब से ये शर्त बनाई गई थी कि इसमें नगर निगम और सिंचाई विभाग के मध्य एक MOU होगा और MOU होने के बाद इसमें जो नहर में कोई साफ सफाई है, अनुरक्षण का कार्य है, वो के बीच में गतिरोध बन गया। अब गतिरोध किस प्रकार का बनाए कि एक दूसरे के ऊपर बात ढाली जाती है। मैं इसकी लगातार समीक्षा करता रहा हूँ। मैंने इस पूरे कागजों को चूंकि योजना से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात की बेहद चिंता हो रही है कि जब सर्दी के मौसम में हर महीने में 4-6 बार पानी की सप्लाई, नहर की सफाई नहीं हुई इसलिए नहीं हो पाई, या नहर में कोई क्षतिग्रस्त हो गई इस वजह से नहीं हो पाई, तो आने वाली गर्मी में तो और कठिनाई होगी। तो मैंने इस बारे में पूरा अध्ययन करने के बाद दोनों विभाग के अधिकारियों से ये अपेक्षा करी कि भाई आप दोनों के बीच का जो भी मामला है वो आप ऊपर तय करो, कोई दिक्कत हो हमसे बताओ, अधिकारियों से बताओ, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, दोनों विभागों के उच्च अधिकारी हैं, ये फिरोजाबाद की सप्लाई क्यों बिगड़ रही है। तो जब इसमें कोई भी हल निकलता नहीं दिखा तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से बताया, उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को बताया, मैंने सिंचाई विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं श्री टी वेंकटेश साहब, जो प्रमुख सचिव सिंचाई है, ENC है निरंजन जी, प्रमुख सचिव नगर विकास है मनोज कुमार जी, उन सबके संज्ञान में ये बात डाल दी। और अब ये मामला इस तरीके से ऊपर तक पहुंचा है तो ऊपर अब इसके ऊपर एक रास्ता निकालने की बात हो रही है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि ये जो काम है इसकी मुख्य जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम को पीने के पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी को आगे बढ़कर उठाना चाहिए। अब मैं विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता जब परेशान हो रही है, तमाम लोगों को परेशानी खड़ी हो रही है, तब हमें आगे बढ़कर आना पड़ता है, अधिकारियों को कहना पड़ता है कि इनको बैठा लो, इनकी जिम्मेदारियों से इनको काम करवाओ। ये अपने आप में बड़ी सोचनीय विषय की बात है। जो नहर की अभी क्या समस्या, 4 दिन से पानी क्यों नहीं है, नहर की 63 पुलियां चौक हैं, घास आ गई है, काई आ गई है, पोगलेन मशीन लग जाती, JCB मशीन लग जाती, उसकी सफाई हो जाती। हमने काम करने की जगह एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति बनाई है उसके कारण आज पूरे फिरोजाबाद की पब्लिक इस चीज को भुगत रही है। मैंने इस बात की बहुत मर्यादा रखता हूँ, नगर निगम स्वतंत्र है, वहाँ भी सब जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ सबका सम्मान है, लेकिन नगर निगम में जो नीतियाँ हैं वो तय करने के लिए एक विषय है, काम करने के लिए तो स्टाफ है, नगर आयुक्त हैं, जलकल विभाग है, महाप्रबंधक जल हैं, XCN है, JEE है, दुनिया का तामझाम है,
आठ आठ दस दस गाड़ियां चल रही है नगर निगम की, हाउस टैक्स वाटर टैक्स के बिल जा रहे हैं, पर एकदम चुप हो जा रहे हैं। हमें कहना पड़ रहा है, जब हम कह रहे हैं तो हमें सफाई दी जा रही है, कह रहे साहब सिंचाई विभाग को अभी हम MOU नहीं कर सकते, हमें ये दिक्कत है। सिंचाई विभाग से बात करो तो वो कहते हैं साहब हमारे पास अगर कोई पैसा नहीं आएगा तो हमारे पास शासनादेश है, शासनादेश के कारण से ये काम उनको करना है। तो ये सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा व्यथित भी हैं और हमने इस मामले में कड़ा रुख अपनाने का विचार किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी यह अपेक्षा करता हूं कि जन जागृति आगे बढ़नी चाहिए। यह कोई मजाक की बात नहीं है कि जिस प्रदेश की सरकार ने 450 करोड़ रुपया इतनी जल्दी करके इस योजना को पूरा कर दिया, वहां कुछ लापरवाह अधिकारी इस पूरी योजना को पलीता लगा रहे हैं और योजना का हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि दो दिन चार दिन भी अगर पानी नहीं आता तो पूरे फिरोजाबाद के 4 लाख आदमी 5 लाख आदमी एकदम से पूरी तरह परेशानी और कठिनाई महसूस करते हैं। आने वाले समय में विधानसभा सत्र में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात बताने वाला हूँ और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इस मामले में क्षेत्र के और फिरोजाबाद के नागरिकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको होने वाली असुविधा है उसके लिए तो मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे खुद बहुत अंदर से इस बात का एहसास है कि सबको बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा करता हूं कि वो अब एक दूसरे के ऊपर बात को न डालते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी को वहन करें और आने वाली गर्मी में इस प्रकार के विषयों से बचाव करें, क्योंकि अगर आने वाली गर्मी में ये सारी व्यवस्थाएं दोबारा दोहराई गई और नगर की जनता को भीषण गर्मी में इतने बड़े खर्चे के बाद इतनी बड़ी योजना होने के बावजूद पेयजल के संकट का सामना करना पड़ा तो निश्चित रूप से ये अधिकारियों की दुर्भावना होगी और माननीय योगी जी की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र होगा जिसको हम किसी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और इस पर अगर अब फिर अगर इसी प्रकार की कोई बात हुई तो हम और अधिक कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।